विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चल रही स्वीप गतिविधियों के बीच जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में लगातार पुल पुलियाए सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन रद्द होकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग सहित राजनीतिक दलों के लिए भी चिंता का सबब बन सकते हैं। हालांकि शासन स्तर पर कई गांवों फालियों में बुनियादी सुविधा के रूप में बिजली पानी सड़क जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई है, लेकिन अब भी कई गांव फालिये इन बुनियादी सुविधाओं से अछूते रह गए हैं। भगवानपुरा जनपद क्षेत्र में ज्यादातर शिकायतें सामने आ रही है। यहां कुंडिया फाटे से कामोद मार्ग पर करीब 7 गांव बसे हैं। यह मार्ग आजादी के बाद से निर्माण नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गड्ढे और कीचड़ में तब्दील हो गया है। बारिश में तो आवाजाही लगभग बंद हो जाती है। खेतों में आवाजाही के साथ ही अन्य कामों के लिए भी इस मार्ग से जाना चुनौती भरा साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। झूठे वादे झूठा विकास, बंद करो बंद करो। झूठे वादे झूठा विकास, बंद करो बंद करो। झूठे वादे झूठा विकास, बंद करो। बहुत साल से है रहा यहाँ पे, रोड की बहुत समस्या हमारी। क्या परेशानी आती है आपको? रोड की बहुत समस्या है हमारी, बारिश में है, जाने आने के बैलगाड़ी के है, मोटरसाइकिल नहीं सकती, बैलगाड़ी नहीं सकती, हमको रोड की बहुत आवश्यकता है। ये पुलिया भी खराब है, पानी भी पूरा खराब है। पुलिया तो भाई पहले बहुत पुराना बनल था, सब टूट गया, अभी बहुत परेशानी आती, 2-3 दिन तक यहाँ पे कोई इंसान चेक ही नहीं सकता। अच्छा, डिलीवरी वगैरह के लिए भी जाते हैं? बहुत बहुत परेशानी आती है हमको। क्या नाम है आपका? डिलीवरी तो बहुत परेशान आती, गाड़ी इतने आती नहीं, एम्बुलेंस पुलिया पर तक हमको मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता। क्या नाम है आपका? अर्जुन पटेल। रोड नहीं बन रहा, समस्या हमारी ये है कि क्या डिलीवरी कैसे है, जब भी हम कहा जाए डिलीवरी ज्यादा ही जाए तभी यहाँ कुंडिया पर तक ले आओ। नेता भी हम कई कतरा बना चुका, तेर बाबूज भी कहानू रूड नहीं बनाए रही। हाँ, वोट हम अपने आप जेत वोट वोट आपता आपता ये हमारे भी 2-3 चुनाव की कहानू ज्यादा भी हेरी कम भी हेरी बाकुन चुन नेता हमारे साथ रूड हल समस्या हल कर ही नहीं रही। अच्छा, कितने गांव जुड़े हैं इसमें? गांव है जी, तेरे से कोई दे है बाकुन जो हमारे काम नहीं होता, हम कहा जो काम रूड नहीं जाए तेरे बाद वोट डाल सू, नहीं तो वोट नहीं डाल। कितने किलोमीटर का रोड है? 12 किलोमीटर है। अच्छा, कितने गांव आते हैं इसमें? यहाँ 7 गांव आते हैं, 7-8 गांव आते। क्या नाम है आपका? अर्जुन। कहाँ रहते हो आप? कन्यापान। पर लोग यहाँ पर जो खेती करके जब से बसे हुए हैं, आजादी के जितने 76-77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मतलब यहाँ पर रोड कभी नहीं बना। आज तक सरकार ने कई सरकारें हमने बदल दी, कई सारे हमने विधायकों को बदल दिया, यहाँ पे सरकार बदल गए, यहाँ तक कि सरकार के नोट बदल गए, नोट बदल के ना वापस बंद भी हो गए, लेकिन हमारा जो कीचड़ वाला जो रोड है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो आज सरकार कई सारे दावे कर रही है, लेकिन आज भी ये जो हमारा 12 किलोमीटर का जो रोड है वो आज तक नहीं बना। और पिछली बार हमने एक नारा दिया था, निर्दलीय विधायक केदार डावर को हमने जब जिताया था तब हमने कहा था कि धुलकोट क्षेत्र के गड्ढे भरना है तो केदार डावर को जिताना है। अब हम किसको जिताए? हमारी आस थी वो तो टूट गई, इसलिए अब हम सब मिलकर 7 गांवों के लोग मिलकर हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ये पुलिया में भी परेशानी आती है, ये इसको पुलिया नहीं बोला जाता, ये एक तो रपटा है, ये तो पानी इधर से उधर वो बस जाने की क्रॉसिंग के लिए, लेकिन पुलिया इसको नहीं बोला जाता, वो रपटा बनाता, वो भी उसका वो भी इतना क्षतिग्रस्त हुआ है कि हाँ, और उसके आगे भी है। और यहाँ पर बारिश की ये समस्या नहीं है, बारिश के बाद में भी जो कच्चा रोड है उसमें भी बहुत सारी समस्या है। बारिश में एम्बुलेंस आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्मी के समय में भी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आती है। क्या अगर समस्या नहीं है लोटी तो क्या करोगे आप लोग आगे? हम वोट क्यों देते हैं? हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम जिन अच्छे जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं ताकि हमारा यहाँ का विकास हो। आज तक विकास कोई हो ही नहीं रहा तो हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सब 7 गांव के लोग मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक नारवे। कहाँ रहते? नया बिलवा। प्रभावित रोड से ये आजादी के 77 साल हो गए, जो हमारे मतलब गाँव में आज तक रोड नहीं है। हमारा देश एक तरफ से अमृत उत्सव मनाता है और इंसानों को चांद तक पहुंचा दिया जाता है, पर आज हमारे गांव में लगभग 7 गांव में 12 किलोमीटर का रोड है,
जो कि आज भी ऐसे मतलब पैदल चलने में ऐसी दिक्कत आती है कि पैदल नहीं चल पाते हैं। मोटरसाइकिल तो दूर ही दूर है, पैदल चलने में इतनी समस्या आती है। समय समय पे वाहन नहीं मिलने का कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और जो 108 डिलीवरी के लिए हम फोन लगाते हैं, एम्बुलेंस आता है, समय पे नहीं आ पाता। और उस कारण क्या है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है या घर पे डिलीवरी हो जाती है, उसमें है बच्चों का मतलब बच्चे और माँ को बहुत सारे नुकसान पहुँचते हैं। और जैसे किसानों को बहुत नुकसान होता है, उसमें फसल ले जाने लाने की दिक्कत रहती है, बैलगाड़ी चलाने की दिक्कत रहती है। अभी आप लोग वर्तमान में देखिए रहो कि हमारी सरकार ने है ना चांद पे इंसान को पहुंचा दिया। यहाँ पे आदिवासी ट्राइबल एरिया में जगह जगह गांव में ऐसी समस्या है कि हम मतलब एक एक फीट गड्ढे है, कीचड़ है, उसमें चलने के लिए मुश्किलें पैदा होती है हमको। इसलिए ये हमने है ना एक आंदोलन किया है। और खासकर अभी आने वाले 2-3 महीने में चुनाव आ रहा है, हम उस विधानसभा का पूरी तरह से विरोध करेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा, हम पूरे गांव 7 गांव के लोग हैं, लगभग यहां से 25-30 हजार जनसंख्या है, तो इस चुनाव का विरोध करेंगे हम। छह पुलिया भी हैं, अभी दिक्कत आ रही है आप लोगों को। आप पुलिया देखे होंगे, लगभग 1 फीट तक यहां पानी जा रहा है, पुलिया जैसी कहीं है नहीं। अगर यहां पानी गिरेगा तो यहां निकलने 2 दिन तक हम निकल नहीं पाते हैं। पुलिया की हालत ऐसी है कि 77 साल शायद पहले बना होगा, जब देश आजाद नहीं हुआ तब की बात है ये। अभी निकलने में समस्या आ रही है, आप खुद देख रहे हो। क्या चाहते हैं आप लोग, अगर रोड की समस्या हल नहीं होती तो क्या करोगे आप आगे? अगर हमारी समस्या हल नहीं होती है तो हम भी अभी चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद, पूरी तरह से उसका विरोध करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुली चौंगड़, आदिवासी एकता परिषद ब्लॉक अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।